नमस्कार, मैं तनु बोध, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। पुलवामा आतंकी हमला कायराना तरीके से किया गया हमला है और ऐसे हमलों से साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान दोगली नीति से चाल चल रहा है। ये कहना है पंजाब के शिक्षा मंत्री ओपी सोनी का, जो गुरदासपुर के कस्बा कदिया के स्थानीय कलासवाला खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में पहुँचे थे। इस मौके पर हल्का कादिया से विधायक फतेह जंग बाजवा और हल्का श्री गोविंदपुर से विधायक बलविंदर सिंह लोढ़ी भी मौजूद रहे। वहीं शिक्षा मंत्री ने अध्यापकों के रोष प्रदर्शनों और पटियाला लाठीचार्ज को लेकर सिर्फ इतना ही कहा, जो होना था सो हो गया। शिक्षा मंत्री ने कलासवाला खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल को 10 लाख और कादिया के सरकारी प्राइमरी स्कूल को इमारत के लिए 10 लाख रुपए दिए। वहीं आने वाले समय में शिक्षा में सुधार आने की बात कही और पुलवामा में मारे गए सैनिकों के संबंध में पूछे गए प्रश्न में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी दोगली नीति से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ हिंदुस्तान से अच्छे संबंध करने की बात कह रहा है तो दूसरी तरफ देश के सैनिकों पर इस प्रकार के कायराना हमले करवा रहा है, अपनी मंशा जाहिर कर रहा है। उन्होंने इस आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। वहीं हल्का कादिया से यहां विधायक फतेह जंग सिंह बाजवा ने ओम प्रकाश सोनी के मेयर के रूप में तथा बतौर शिक्षा मंत्री पिछले 10 माह में किए गए कार्यों की सराहना की। प्राइम न्यूज 24 के लिए विकी मलिक की खास रिपोर्ट। आज साढ़े एजुकेशन मिनिस्टर श्री ओम प्रकाश सोनी जी आए सी, जो एजुकेशन का म्यार उतार चुकया जा रहा, जो गवर्नमेंट दियां नीतियां ने उस दे बारे भी उन्होंने तुहानू चानना पाया। और सानू मान है भी जिहड़ा साडा स्कूल है इहनू 100 साल तो उपर हो गए ने, पाकिस्तान तो क्लास वाला तो इस स्कूल नू इत्थे लिया के कादियां च चलाया गया। और सानू इस गल दा भी मान प्राप्त है भी इस स्कूल ने बहुत सारे जिहड़े ने ऑफिसर्स जिहड़े इत्थों पैदा कीते ने, चाहे वह जर्नल्स ने आर्मी दे ब्रिगेडियर्स ने IPS IAS और पोलिटिकल लीडर भी इस स्कूल ने जिहड़े ने तराश के भेजे हुए ने। और मैं समझना भी सानू साडी खुशकिस्मती है भी कादियां शहर नू इन्नी पुरानी संस्था जिहड़ी है वो अज भी उस ही म्यार दे उत्ते जिहड़ी है पलांघा पट रही है। साडे प्रिंसीपल ने इत्थे शालनी दित्ता जी, उन्होंने भी सारा रिपोर्ट कार्ड दिता है भी साडे कोई बच्चे ने जिहड़े नैशनल लैवल ते उन्होंने गोल्ड मैडल लिया अलग अलग फील्ड एजुकेशन गेम्स दे विच। सो मैं अपने वालों स्कूल की सारी मैनेजमेंट कमेटी नू स्टाफ नू और बच्चों नू अज दे शुभ दिहाड़े ते लख लख मुबारकबाद। सर, पटियाला विच जिहड़ा लाठीचार्ज होया टीचर्स दे उत्ते, उन्हां बारे की कर रही है सरकार? देखो मैं असी इस गल दे विच कह समझदे हाँ भी गवर्नमेंट नू हर चीज़ डायलॉग दे नाल जिहड़ी है सैटल करनी चाहिए है। साडा असी ऑलरेडी अपना एक हैंड एक्सटेंड किया और उन्होंने ACB जी चीफ मिनिस्टर साहब सानू मुलाकात का टाइम देन, मेरे ख्याल चंद दिनों के चीफ मिनिस्टर साहब उन्होंने मिलकर वो सारा सुलझा लेंगे। थैंक यू। ऐसे करके नहीं की पहलू असी उन्होंने श्रद्धा के फुल भेट किए हैं। बड़ी माड़ी बड़ी वड्डी जी भयानक जी दुर्घटना हुई है, जिनी भी निंदा कर लो उन्नी थोड़ी है। सो मैं समझना ये जो कुछ हो रहा पाकिस्तान के इशारे से हो रहा है, सो इह जिहियां जिहड़ियां हरकतां जिहड़ियां बाज आना चाहिए पाकिस्तान नूं। एक बन्ने दे समझौते दीआं गल्लां करदे ने, दूजे बन्ने अपनियां आदतां नूं हटदे नहीं। सो मैं समझना इहनां नूं जवाब जिहड़ा कल CM साहब ने बोले जां साडे लीडर ऑफ द हाउस बोले ने कल असैंबली च बोले ने, सो जो उहनां कहा सो असीं सारे उहनां दे नाल आ। सो मैं समझना ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਰੀ ਆ ਇੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਉੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਸਰ, ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ।